लोकसभा चुनाव के लिए दूर दराज के इलाकों में बने पोलिंग सेंटर्स के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। पहली खेल में 57 पार्टियां मतदान कार्बन को निकली हैं। लोकसभा सामान्य निर्वाचन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और पोलिंग पार्टियां रवाना होना शुरू हो गई हैं। नैनीताल जिले के 6 विधानसभा में 1010 पोलिंग बूथ हैं, जिनमें हल्द्वानी के MPBG में बने जिला निर्वाचन कंट्रोल रूम से आज दूरस्थ पोलिंग बूथ के लिए 57 पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। शेष पोलिंग पार्टियां बाद में रवाना होंगी। देखिए, जनपद नैनीताल में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से भीमताल की 57 पार्टियां आज यहां से रवाना हो रही है। बाकी जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनकी भी सभी पोलिंग पार्टी को आज यहां पर बुलाया गया है और उनको जो बैग के रूप में सामग्री दी जाती है वो आज दी जा रही है, उनकी उपस्थिति ली जा रही है। और इसके साथ साथ जिनके द्वारा पोस्टल बैलेट के लिए और EDC के लिए आवेदन किए गए थे उनके लिए यहाँ फैसिलिटेशन सेंटर बने हुए हैं। वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से जिनको मतदान करना है वो मतदान कर सकते हैं और जो EDC प्रमाण पत्र के लिए जिन्होंने आवेदन किया है वो अपना EDC प्रमाण पत्र भी ले सकते हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।